हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्लोग आशा करता हूँ स्लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, क्या आपके पास रियलमी का C55 मोबाइल है? जी गाइस, अगर आपके पास रियलमी का C55 मोबाइल है और आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है, हमारा मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। किसी किसी भाई का सवाल है हमारा डिवाइस गेमिंग करते टाइम हीट हो रहा है। किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारा मोबाइल चार्जिंग करते टाइम हीट हो रहा है। किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारा मोबाइल नॉर्मली टाइम हीट हो जाता है, हम ज़्यादा कुछ यूज नहीं करते। किसी भाई का सवाल हो सकता है कैमरा यूज करते टाइम हीट हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आपका डिवाइस कैसे भी हीट कर रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले नॉर्मल ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपको एक से कैसी सेटिंग बताऊंगा जिससे आपका डिवाइस है हीट या ओवरहीट नहीं होगा। बस आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपको नॉर्मल ट्रिक बता देता हूँ एंड सेटिंग नहीं बता रहा हूँ, एक एडवाइस दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपको अपने डिवाइस का लोड है उसे कम करना है। फालतू की फोटो, वीडियो एंड फालतू के एप्लीकेशन इन्हें हटा देना है। गाइस, यहाँ पर आपके डिवाइस पर जितना लोड होता है ऑटोमेटिक आपकी जो बैटरी है वो रनिंग प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाती है और हीट होने लगती है ऑटोमेटिक बैटरी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका डिवाइस जब चार्जिंग करते हैं हीट होता है तो आपको रिसेंट मेनू पर क्लिक करना है और चेक करना है कि आपने जो फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब वगैरह कुछ भी यूज किया है उसे यहाँ से क्लोज किया है कि नहीं किया। यहाँ पर खुले रह जाते हैं और आपकी चार्जिंग में यहाँ पर रुकावट करते हैं और आपका डिवाइस हीट होने लगता है। एंड गाइस, यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने डिवाइस पर हैवी लोड डालते हैं जैसे कि गेमिंग वगैरह करते हैं और उन्हें लगा हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली, तुरंत ही जाकर चार्ज पे लगा देते हैं। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा रहे हो या चार्ज पे लगा रहे हो तो गेमिंग करने के 5 से 10 मिनट का वेट करो, तभी आपको हमेशा मोबाइल को चार्ज पे लगाना है। उस कंडीशन में आपकी बैटरी का टेम्परेचर वो कम हो जाएगा एंड आपकी डिवाइस की चार्जिंग स्पीड भी फास्ट रहेगी और आपका डिवाइस ओवरहीट नहीं होगा। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एंड एक और बात बताना चाहूँगा, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से आपका डिवाइस हीट हो रहा है। गाइस, यहाँ पर मैं आपको सेटिंग में भी ले जाकर चलूंगा, अभी यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर सेटिंग बता रहा हूँ, आपको वीडियो को एंड तक पॉज करना है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से हीट हो रहा है, कॉलिंग करते हैं, कैमरा यूज करते हैं, तो आपको उसी एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कोई एप्लीकेशन पर कर सकते हो, आपको एफ इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। जैसे आप एफ इन्फॉर्मेशन में जाओगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, स्टोरेज यूज पर क्लिक करना है एंड क्या करना, आपको क्लियर डाटा नहीं करना। क्लियर ऑल डाटा करोगे किसी एप्लीकेशन का तो आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ सकता है। हालांकि कैमरे में तो कोई सिस्टम नहीं होता लॉगिन का, यहाँ पर आप क्लियर ऑल डाटा भी कर सकते हो, बट आपको हमेशा सभी एप्लीकेशन का क्लियर कैसे करना है। क्लियर कैसे, जैसे करोगे जो भी उस एप्लीकेशन में जंक फाइल या बग वायरस होंगे वो क्लीन हो जाएंगे, आपका वो एप्लीकेशन क्लीन हो जाएगा, उसकी वजह से आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं होगा। इस सेटिंग को सबसे पहले फॉलो करना है। दूसरी बात, अगर आपका डिवाइस चार्जिंग करते टाइम हीट होता है तो आपको हमेशा याद रखना है डाटा को ऑफ करके ही मोबाइल को चार्ज पर लगाना है। दूसरी बात, आप चेक कर लेना आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, आपका लोकेशन, ये चीज़ें ऑफ तो नहीं है क्योंकि ये रन करती हैं और आपका डिवाइस हीट कर देती हैं। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपका डिवाइस फिर भी हीट कर रहा है तो आप एरोप्लेन मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उस कंडीशन में आपका डिवाइस भी चार्ज फास्ट होगा। दूसरी बात, आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं होगा क्योंकि उस कंडीशन में सिम सर्विस भी ऑफ हो जाती है, तो आप हमेशा इसका भी यूज कर सकते हो। सिंपली अब आपको जाना है सेटिंग में। जैसे आप सेटिंग में जाओगे, आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन रहेगा सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको नीचे आना है। किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि आप हमारा डिवाइस अपडेट आने के बाद स्लो चार्ज हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी अपडेट में बग आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने भी मिल जाते हैं, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है अगर अपडेट आने के बाद स्लो चार्ज हो रहा है तो। दूसरी बात, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा बैटरी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बैटरी पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा मोर बैटरी सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है और परफॉर्मेंस मोड को चेक करना हाई है कि नॉर्मल है। तो आपको अगर हाई परफॉर्मेंस मोड पर आप अपने मोबाइल को चला रहे हो तो हमेशा आपको नो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पर कर देना, इससे आपकी बैटरी भी सूबे होगी और आपका डिवाइस हीट नहीं होगा। हमेशा नो परफॉर्मेंस मोड पर रखना है। एंड एक और ऑप्शन मिलेगा आपको ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग। गाइस, यहाँ पर चार्जिंग करते टाइम हीट होता है तो आप इसी वजह से ऑफ होगा आपके डिवाइस में, तो आपको इसे ऑफ होगा तो ऑन कर देना है। इससे क्या होता है, नाइट चार्जिंग का मतलब ये नहीं कि नाइट में चार्ज कर रहे हो तभी ऑन करना है। नाइट चार्जिंग का मतलब ये, जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाते हो तो आप इसे ऑन कर सकते हो, इसके माध्यम से आपकी जो बैटरी हीट होती है वो नहीं होगी, आपका मोबाइल आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करता रहेगा, तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो, इससे ये फायदा हो जाता है। तो आप इस सेटिंग को फॉलो करो और आपका डिवाइस अब हीट बिल्कुल नहीं होगा। एंड आप चाहें तो एक और ऑप्शन कर सकते हो, ऑप्टिमाइज बैटरी यूज पे जाना है आपको, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से भी हीट हो रहा है जैसे कि मैंने पहले बताया क्लीन करने के बाद भी, तो आप उस पर क्लिक करना एप्लीकेशन पे एंड जैसे कि इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ऑलवेज आस्क होगा या डोंट ऑप्टिमाइज हो तो आपको इसे ऑटो ऑप्टिमाइज कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी आप उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे वो क्या करेगा, आपकी बैटरी को ही ऑप्टिमाइज करने देगा, हीट नहीं होने देगा, बैटरी को हमेशा ठंडी रखेगा, क्लीन रखेगा, हीट नहीं होगा ना ही ओवरहीट होगा। तो आप इस सेटिंग को ऑन कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपका और कोई सवाल तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।